लोहरदगा में खराब टमाटर सॉस और चिल्ली सॉस की शिकायत पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने किया छापेमारी। 2,357 बोतल किया जब्त। लोहरदगा में केचप, टमाटर सॉस और चिल्ली सॉस के घटिया सामग्री की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। इस क्रम में केचप के कुल 2,357 बोतल जब्त किए गए हैं। इसके अलावे पान दुकान में भी छापेमारी की गई। बताया जाता है कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को शिकायत मिली थी कि लोहरदगा के बाजार में घटिया स्तर से केचप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद बाजार से ही केचप जब्त करते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने जांच के लिए लैब भेज दिया है। बताते चले कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के BID स्थित विश्वनाथ साहू के आवास में छापेमारी की गई, जहां 2,357 बोतल केचप जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जब तक लिए गए सैंपल जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक संबंधित कंपनी के केचप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिलहाल फूड सेफ्टी की कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया है। लोहरदगा ब्यूरो, अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। सॉस नकली है या नहीं, इसके ऊपर तो अभी मतलब कंफर्म नहीं हुए हैं हम लोग। जब तक ये केमिकल पैरामीटर्स टेस्ट नहीं होकर नहीं आता है, तब तक इस पर हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन एहतियात के तौर पे अभी सॉस को जब्त करके रखा गया है, और जैसे केमिकल पैरामीटर्स टेस्ट होकर कुछ रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो हम इस पर केस फाइल किया जाएगा। आम लोगों को भी और जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे फास्ट फूड कॉर्नर से, इन लोगों को सबको हिदायत दी जाती है कि लोग अच्छी क्वालिटी का सॉस रखें, बढ़िया कंपनी का सॉस रखें, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचे। सर, इससे कितना नुकसान हो सकता था? अगर सॉस में जब तक केमिकल पैरामीटर्स टेस्ट होकर नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर इसमें डाइज जो कलर का इस्तेमाल किया गया है, अगर परमिटेड कलर नहीं है, इससे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।